विद्यों का एक बार फिर से सक्सेस फर्स्ट चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम विभवांतर और विद्युत विभव के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में अंतर बहुत कम है। डिफरेंट कम होने के कारण बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और एक दोनों में समान आंसर लेके आ जाते हैं, जिसके कारण उनको नंबरिंग में थोड़ा कम हासिल होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम विभवांतर में चलते हैं कि विभवांतर क्या होता है और विद्युत विभव क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले विभवांतर का देख लीजिए कि विभवांतर की मैं परिभाषा यहाँ से मैंने लिखा है कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। माना कि ये विद्युत क्षेत्र है और ये विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र में बात कर रहे हैं एकांक धनावेश की। माना कि विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है और यहाँ पे माना कोई बिंदु है बी। विद्युत क्षेत्र में माना कि कोई बिंदु बी है जहाँ पे एकांक धनावेश है प्लस क्यू नॉट। यहाँ पे मैंने माना प्लस क्यू नॉट एक एकांक धनावेश है जो विद्युत क्षेत्र में है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश प्लस क्यू नॉट है। तो यहां से क्या लिखा कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से, एक बिंदु तो ये बी हो गया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने पर किया गया कार्य। एक बिंदु तो ये हो गया, दूसरा बिंदु माना कि यहां पे है, दूसरा बिंदु मैंने माना ए, दूसरा बिंदु माना ए। तो विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को लाने पर किया गया कार्य। एकांक धनावेश है, इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है। ये पहले प्लस क्यू नोट यहां था, अब प्लस क्यू नोट यहां आ जाएगा। पहले प्लस क्यू नोट यहां था, अब प्लस क्यू नोट यहां आ जाएगा। इसका मतलब एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने पर किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य, बिंदु बी और बिंदु ए के मध्य, विभवांतर कहलाता है। बात करें इसके फॉर्मूले की तो बहुत आसान फॉर्मूला इसका रहता है। फॉर्मूला इसका होगा वी ए, क्योंकि ए पर लाया जा रहा है, कहां से लाया जा रहा है, बी से लाया जा रहा है, तो माइनस वी बी। ये इन दोनों के बीच का विभव अंतर है, विभवांतर है। इन दोनों के अंदर विभवांतर है और विभवांतर क्या होगा, तो विभवांतर होगा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, डब्ल्यू अपॉन प्लस क्यू नॉट। क्योंकि एकांक धनावेश लाया जा रहा है और लाने में किया गया कार्य जो है वो विभवांतर के बराबर है, इसलिए यहां पर लिख दिया वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। इसके बाद चलते हैं विद्युत विभव में। इसकी परिभाषा थोड़ी चेंज होगी। क्या लिखना है इसमें कि एकांक धनावेश, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने पर किया गया कार्य उन दो किया गया कार्य अनंत व बिंदु के मध्य, अनंत व बिंदु के मध्य विद्युत विभव कहलाता है। बिंदु के मध्य विद्युत विभव कहलाता है। एक आसान सी परिभाषा यहां से निकल के आ गई और इसी परिभाषा को हम यहां पे फॉलो करते हैं। माना कि यहां पर कोई आवेश है, माना कि यहां पे कोई आवेश है और इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया अनंत या डेंसिटी। इस बिंदु को मैंने कह दिया अनंत, ये बिंदु हो गया अनंत। यहां पे आवेश पड़ा हुआ है प्लस क्यू नॉट, प्लस क्यू नॉट आवेश है और ये प्लस क्यू नॉट आवेश कहां पे है, तो ये प्लस क्यू नॉट आवेश जो है वो अनंत पे है। अनंत से हमको लाना है विद्युत क्षेत्र में, अनंत से। माना कि अनंत ये बिंदु है ए, माना कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु ए विद्युत क्षेत्र में है। तो अनंत से एकांक धनावेश को, अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में लाने पर जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। यहां से इसकी परिभाषा क्लियर हो जाती है। इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। जो पहला बिंदु है वो क्या है, वी ए है। ये अंतिम बिंदु होगा, पहला बिंदु, यहां से क्या हो गया, वी डेंसिटी हो गया, वी अनंत हो गया। किसके बराबर होगा, वही डब्ल्यू अपॉन प्लस क्यू नॉट।
ये इसमें मुख्य अंतर रहता है और सबसे बेहतरीन अंतर जो कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें। इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने में आगे स्टेप में हम लेंगे इनके सूत्र हो गया, इसके बाद इसकी मात्रक भी ले लेते हैं। तो मात्रक क्या होगा समझिएगा। सामान्यतः जो W होता है उसे हम कार्य कहते हैं, प्लस Q नोट का अर्थ है आवेश, ये आवेश है। और यहां पे भी सेम प्रक्रिया होगी, कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। इसके बाद जो है हम इसको आगे लिख लेते हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक सीधा सा होता है जूल, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यहां पे विभवांतर का जो मात्रक निकल के आया है वो जूल बटे कूलाम, यानी कि जूल प्रति कूलाम यहां से निकल के आया है। इसका भी सेम निकलेगा, जूल प्रति कूलाम। इसको और हल करते हैं तो यहां पर जूल प्रति कूलाम या जूल अपॉन कूलाम वोल्ट के बराबर होता है, जूल प्रति कूलाम वोल्ट के बराबर होता है। और यहां पर भी सेम प्रक्रिया रहेगी कि जूल प्रति कूलाम वोल्ट के बराबर होता है और ये मात्रक रहता है विभवांतर और विद्युत विभव का। तो ये अंतर था मुख्य और समानता थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।